अच्छी बात है, बढ़ाओ बढ़ाओ। के एग्जाम हो तो 30 मार्क में भी अपन बहुत बड़ी एग्जाम हो गई स्कूल जो स्कूल में तो एक ही रहती थी ना हो यार, बड़ी बहुत ही है। मतलब एक फाइनल एग्जाम और सॉल्व कर दिया था और वो बदले ही गए। ओके सो लास्ट संडे वी हैव स्टार्टेड विद एसएमएल सिक्योरिटीज राइट, और उसमें हमने दो चैप्टर्स करे ठीक है। पर्टिकुलर सेट ऑफ चैप्टर्स सारे एसेट बैक सिक्योरिटी वाले। तो एसेट बैक काफी हमने देखा था सिक्योरिटाइजेशन और ये सब, और आज का जो चैप्टर बाकी है वो पर्टिकुलरली मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, मतलब अगर जो लोन्स हैं जो सिक्योरिटाइज हो रहे हैं वो लोन अगर होम लोन है तो वो मार्केट बहुत बड़ा है राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एमबीएस, दैट इज कॉल्ड एमबीएस मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। सो कम टू एलएस 67A, सीधा एक बोलो प्री पेमेंट रिस्क ले आए ठीक है, और उसमें फिर लेकिन उसको छोड़ो अभी, पहले बेसिक पढ़ो। 67B देखो, सी देयर आर सम सर्टेन अदर थिंग्स व्हिच वी नीड टू नो। Look at 67B, थोड़ा सीक्वेंस बदल रहा हूं मैं। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन्स, जो रेसिडेंशियल होम लोन्स होते हैं उसके फीचर्स, तो वो सब पढ़ो थोड़ा थोड़ा। कोलेटरल इज द रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, अगर बोरो डिफॉल्ट करते हैं तो घर ले लेंगे राइट। कॉमन फीचर्स, तो कभी कभी प्री पेमेंट पेनल्टी होती है कि अगर जल्दी पैसा वापस आ जाएगा तो आपको कुछ पेनल्टी भरना पड़ेगा, बट दीस डेज इवन इन इंडिया ये प्री पेमेंट पेनल्टी खास कुछ होती नहीं है, और यूएस में भी प्रैक्टिकली बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो प्री पेमेंट पेनल्टी उतनी लगती नहीं है। और होम लोन एक ऐसी लोन है जहां पे प्री पेमेंट तो होगा ही होगा बिकॉज बहुत लंबी होती है 25 साल 30 साल, तो इट इज यूजुअली नॉट द केस कि जो एक्चुअल लोन का टेन्योर है 25 साल 30 साल वहां तक चले वो, मोस्टली फॉर वेरियस रीजंस उसको जल्दी ही बोरोवर खत्म कर लेते हैं ठीक है। फिर रिकोर्स नॉन रिकोर्स होता है कि रिकोर्स लोन मतलब क्या, कि आपने होम लोन लिया आपने लोन नहीं भरा तो आपका घर ले सकते हैं, लेकिन अगर घर बेच के भी लोन पूरी नहीं हो रही है तो आपकी दूसरी एसेट्स भी वो लोग ले सकते हैं ठीक है, मतलब आपके जो दूसरे एसेट्स है आपकी पर्सनल गारंटी वगैरह भी लिया होगा, दोज आर कॉल्ड रिकोर्स लोन्स। जबकि नॉन रिकोर्स में क्या होगा कि वो सिर्फ अगर लोन नहीं भरते तो सिर्फ प्रॉपर्टी ले सकता है बोरोवर, सॉरी लेंडर, अगर आपने बैंक का लोन नहीं भरा तो बैंक कैन अटैच योर हाउस, इट कैन सेल इट ऑफ सपोज, उसके बाद भी अगर पैसा बाकी रहता है तो जो बोरोवर है उसकी दूसरी एसेट्स को टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकोर्स लोन। इंडिया में तो सारे रिकोर्स लोन्स ही होते हैं, यूएस में कोई कोई लोन्स नॉन रिकोर्स हो सकते हैं, और जब नॉन रिकोर्स लोन होगा, अगर नॉन रिकोर्स लोन है तो उसमें क्या होगा, सपोज 1 करोड़ का घर है
उसमें 90 लाख की लोन है, हाउस वॉज 1 crore, आई टुक अ लोन ऑफ 90 lakhs. नाउ देयर इज अ करेक्शन इन द हाउसिंग मार्केट, योर 1 crore हाउस हैज नाउ बिकम वर्थ 80 lakhs. तो क्या होगा कि लोन 90 लाख का है लेकिन हाउस सिर्फ 80 लाख का है, तो ये लोग स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट कर देंगे कि ठीक है घर ले जाओ, ऐसा नहीं करना है, घर तो मेरा 80 लाख का है, लोन 90 लाख की है तो घर ले जाओ. तो जो लेंडर है उसके लिए काफी रिस्क हो जाता है, सो कीप दैट थिंग इन माइंड. ठीक है, तो वो पढ़ लो एक बार, रिकॉर्ड नॉन रिकॉर्ड वाला पढ़ लो, उसमें कुछ टर्म्स भी दिए हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू अगर लोन से कम हो गई तो अंडर वाटर बोलते हैं उसको. बड़े बोरोवर्स होंगे ना, मोस्टली वो कमर्शियल उसमें होता है, लेकिन इंडिविजुअल या कोई भी आप इसे कि कंपनीज में इंडिविजुअल भी हो सकता है. फिर जब होम लोन देते हैं, मॉर्गेज देते हैं, तो जो लेंडर होता है वो कौन कौन से रेशियो देखता है, वो LTV होता है, लोन टू वैल्यू. जैसे मैंने बोला कि 1 crore का घर है, मतलब वैल्यू 1 crore, और लोन दे रहे हो 90 lakh, तो 90 lakhs to 1 crore 0.9 इज LTV, राइट. हायर द LTV मोर इज द रिस्क, जितना LTV ज्यादा उतना लेंडर के लिए रिस्क ज्यादा. ठीक है, और दूसरा है डेट टू इनकम रेशियो, विच मेजर्स द मंथली डेट पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज अ परसेंटेज ऑफ देयर मंथली प्री टैक्स ग्रॉस इनकम. तो जितना कम हो उतना अच्छा, राइट, डेट टू इनकम जितना कम हो उतना अच्छा. सपोज 3 lakh मॉर्गेज है ऑन अ 4 lakh प्रॉपर्टी, तो LTV 75%, और वो मॉर्गेज में इंटरेस्ट रेट 6% है और 25 साल का है, मंथली मतलब 300 बार देंगे, तो आप EMI निकाल सकते हो. EMI निकाल सकते हो, वो हम क्वांट में पढ़ेंगे, बट सपोज EMI आया 1932.9 बराबर, और उसका जो इनकम है वो सपोज 80,000 पर ईयर है, तो डिवाइड बाय 12 वो 6667 आया, तो आपका इंस्टॉलमेंट लगभग 1900 रुपया, और आपका मंथली इनकम जो है वो 6667, सो अराउंड 29% इज डेट टू इनकम. जितना कम रेशियो हो उतना लेंडर के लिए अच्छा है. अच्छा, और मॉर्गेज इज मेड टू बोरोवर्स विद गुड क्रेडिट, मतलब क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, जैसे अपना सिबिल स्कोर होता है, लो LTV, लो DTI आर टर्म्ड प्राइम लोन्स, अच्छे लोन्स, जबकि लोअर क्रेडिट क्वालिटी, हाई LTV, हाई DTI, या जिसका लो प्रायोरिटी क्लेम है कोलेट्रल में, मतलब ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी पे एक लोन पहले से चल रही है और दूसरी लोन दे रहे हो, वो सब सब प्राइम लोन्स बोलते हैं. दोज आर ऑल कॉल्ड सब प्राइम लोन्स. ठीक है, अच्छा, फिर ये आपका ए
एजेंसी और नॉन एजेंसी आरएमबीएस, आरएमबीएस मतलब रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। अब मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी कैसे क्या होता है वो तो हमें पता है, हमने लास्ट टाइम पूरा डिस्कस किया था, हमने एसबीआई का कार लोन का पोर्टफोलियो लिया था, और सपोज कार लोन के बदले होम लोन है तो इट विल बी कॉल्ड रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। अच्छा तो उसमें पता है हमने बोला था कि क्रेडिट रिस्क तो होता है कि अगर लोन डिफॉल्ट करेगी तो वो इन्वेस्टर को भी लॉस तो लगेगा। हाँ उसके सामने आप ट्रांजिंग और ये सब कर सकते हो लेकिन रिस्क तो है, राइट। और यूएस में क्या है, यूएस में गवर्नमेंट इटसेल्फ, वहां की जो गवर्नमेंट है, इट एनकरेज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ होम लोन्स, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि होम लोन्स का जितना सिक्योरिटाइजेशन होगा उतना बैंक्स और सारे लोग और होम लोन्स दे पाएंगे, और ऐसे लोगों को भी होम लोन दे पाएंगे जो ट्रेडिशनली लोन नहीं ले सकते, राइट। तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट आल्सो एनकरेज, और इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन्होंने दो तीन कंपनियां खोली है, वो नाम दिए होंगे फैनी में जीनी में, फैनी में ऐसे कंपनीज है, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो पूल होगा ना लोन्स का, राइट, उसको गारंटी कर देंगे कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है, अगर कोई डिफॉल्ट होता है लोन में तो क्रेडिट के कारण जो नुकसान होगा डिफॉल्ट के कारण वो लोग भर देंगे, मतलब जो एंड इन्वेस्टर्स है उनको क्रेडिट रिस्क की चिंता है नहीं। समझ में आया? हाँ, गवर्नमेंट गारंटी कब देगा, जब जो सारे पैरामीटर्स है ना अभी नहीं देखा, वो देखेगा कि एलटीवी इतना होना चाहिए, फिर डेट टू इनकम इतना होना चाहिए, मतलब कुछ पैरामीटर्स होंगे, अगर लोन्स उसको मीट करते हैं तो गवर्नमेंट गारंटी दे देगा, और अगर गवर्नमेंट गारंटी दे दिया तो उसको क्या बोलते हैं, एजेंसी, उसको बोलते हैं एजेंसी आरएमबीएस। तो कभी भी ये वर्ड आए एजेंसी आरएमबीएस तो आपको क्या समझने का कि ये आरएमबीएस में कोई क्रेडिट रिस्क है नहीं, देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि वो रिस्क सरकार और सरकार की एजेंसीज लेती हैं। हाँ, अगर लोन ऐसी है कि सब प्राइम लोन्स है जिसमें गवर्नमेंट का गारंटी नहीं होगा तो उसमें से जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बनेगी दैट इज कॉल्ड नॉन एजेंसी आरएमबीएस। तो नॉन एजेंसी मतलब क्रेडिट रिस्क है, एजेंसी मतलब देयर इज नो क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो अब पढ़ लो एजेंसी और नॉन एजेंसी, ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना। All of you? Yes, sir. Okay. और वो सब लिखा है कि 79 में ये सब प्राइम लोन के कारण बहुत क्राइसिस हो गया था, तो लगभग उसके बाद ये सब बंद हो गया था नॉन एजेंसी वाला। आप समझ रहे हो जो लिखा है कि 79 में इन लोगों ने क्या किया था कि वैसे नॉन एजेंसी है लेकिन उसकी सीनियर ट्रांच है, तो सीनियर ट्रांच में बहुत अच्छा रेटिंग होगा तो लोगों ने भर भर के इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब सब फटने लगा तो बहुत सारे लॉसेस उसमें आए, और
मतलब नॉन एजेंसी की कहाँ बात करते हैं, एजेंसी आरएमबीएस भी जो थे तो उनको जिसने गारंटी दी थी गवर्नमेंट एजेंसीज ने, उसमें भी लॉसेज इतने बस सब हो गए थे कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली रेस्क्यू करना पड़ा था, राइट? इट्स लाइक गवर्नमेंट हैज टू रेस्क्यू एलआईसी, दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके? सपोज एलआईसी ने बहुत सारी गारंटीज दी हो और फिर एक्चुअली वो क्रिस्टलाइज होने लगा तो एलआईसी खुद मरने वाला है तो गवर्नमेंट को बचाना पड़ा, ऐसा वहां पे हो गया था, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद जो एलआईसी गारंटी दे रही है तो इट्स इंश्योरेंस गवर्नमेंट, इस टाइप की चीज है, वो सारी गवर्नमेंट बैक एंटरप्राइजेस ही थी, प्रैक्टिकली मतलब जब प्रॉब्लम में फंसे तो गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया हम लोगों को, ऐसा लोन टू वैल्यू, के लोन वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है ना? फिर 67C, जो आपका 67C है, तो अगेन दिस इज वेरी जनरल रीडिंग, उसमें कुछ नया नहीं है, जो नॉर्मल एसेट बेस्ड सिक्योरिटी था ना वो अगर मॉर्गेज पे बेस्ड है तो इट इज कॉल्ड मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटी, राइट? वो फिगर भी दिया है कि मॉर्गेज इज 1 to n, मतलब अलग अलग होम लोन इकट्ठी करी उसका पूल बनाया और फिर कैश फ्लो आप बेच रहे हो इन्वेस्टर्स को, राइट? और बहुत सारी अलग अलग लोन्स होंगी तो सबका मैच्योरिटी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, ओवरऑल वेटेड एवरेज मैच्योरिटी होगा और इंटरेस्ट रेट सबके अलग अलग होंगे तो वेटेड एवरेज कूपन होगा, जो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा वो वेटेड एवरेज कूपन से थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि बीच में जो सर्विस कर रहा है वो थोड़ा मार्जिन रखेगा। फिर एग्जांपल दिया है, तीन मॉर्गेजेस अलग अलग इंटरेस्ट रेट, बिगिनिंग बैलेंस, करंट बैलेंस, ओरिजिनल टर्म और अभी कितने मंथ्स बाकी है, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी और वेटेड एवरेज कूपन। तो देखो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी में क्या कर रहे हैं कि अभी जो मंथ्स बाकी है ना 210, 100 और 280 उसकी वेटेड एवरेज ले रहे हैं बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू, मतलब करंट बैलेंस 1972 और 247 का टोटल आएगा 409, मतलब करंट बैलेंस को वेटेज बना देने का और फिर वेटेड एवरेज फाइंड कर लेने का। सो दिस इज इजी, राइट? ठीक है तो ये खत्म करके आगे चले जाओ 67A। ओके, सो नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ये जो मॉर्गेज होता है होम लोन, मैंने क्या बोला कि सपोज 25 साल का है, 25 साल होम लोन है, बट एवरीबॉडी नोज के प्री पेमेंट्स तो होने ही वाले, राइट? और अगर प्री पेमेंट होता है, अगर प्री पेमेंट होता है मतलब जल्दी पैसा वापस आ जाता है तो इट्स अ रिस्क फॉर
इन्वेस्टर्स इज़ इट मनन सर ने बेसिक टर्मिनोलॉजी करवाई होगी, कॉलेबल बॉन्ड होता है उसमें, ये टाइम से पहले ही पैसा वापस आ जाएगा। और नॉर्मली ये पैसा वापस कब आएगा, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम चल रहे हो। तो सपोज मैंने एफडी करी 10 लाख की 8% पे, आई थॉट इट्स अ वेरी गुड रेट एंड आई हैव इन्वेस्टेड फॉर 5 इयर्स। अब 2 साल के बाद एकदम ही पैसा लौटा दे और मार्केट में तब 6% की रेट चल रहा हो तो मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? सो इट रिप्रेजेंट्स अ रिस्क, और प्रीपेमेंट तो होता ही है। तो जो आपका मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, अच्छा अगर एजेंसी वाला है तो क्रेडिट रिस्क तो है ही, मतलब तो मेन रिस्क क्या हो जाता है, प्रीपेमेंट रिस्क। मेन रिस्क क्या हो जाता है, प्रीपेमेंट रिस्क। अच्छा अब जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, सपोज आई एम अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस पूल ऑफ होम लोन, सपोज इसका वेटेड एवरेज मैच्योरिटी 25 साल का है एंड दीज आर 5000 डिफरेंट लोन्स, मतलब 5000 लोन का पूल है, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी 25 साल है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको खरीद लूँ, तो मैं मेरा रिसर्च करूंगा, राइट? मैं ये जो होम लोन्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा, ये बोरोअर कैसे हैं, कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है, ज्योग्राफिकली कहाँ के हैं, वो सब है, और मैं एक अंदाजा लगाऊंगा, मैं एक अंदाजा लगाऊंगा, आई विल अज्यूम सम प्री पेमेंट स्पीड, मैं कुछ प्री पेमेंट स्पीड अज्यूम करूंगा कि भले 25 साल है लेकिन प्री पेमेंट तो होगा। तो आई थिंक के लाइफ विल बी इक्वल टू 18 इयर्स, मैंने ऐसा अंदाजा लगाया, मैंने जब खरीदा ना तो आई फिगर इट आउट बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस कि भले 25 साल की होम लोन है वो 18 साल में अपने पैसे वापस आ जाएंगे, बराबर? अच्छा तो मैंने खरीद लिया, अब होगा क्या कि एक्चुअल जब टाइम इलेप्स होगा तो मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट होता है, खुद प्रॉपर्टी के भाव कितने बढ़ चढ़ रहे हैं, वो सब है। तो इफ देयर इज मोर प्रीपेमेंट देन एक्सपेक्टेड, अगर मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा प्रीपेमेंट आ गया तो 18 साल के बदले 13 साल ही होंगे, मैंने सोचा 18 साल में पैसा वापस आएगा लेकिन सारा पैसा 13 साल में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क, कि मैंने सोचा उससे जल्दी पैसा वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू वेरियस रीजंस देयर वाज लेस प्रीपेमेंट देन एक्सपेक्टेड, तो मैंने सोचा था 18 साल लेकिन 22 साल में पैसा वापस आया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन रिस्क। समझ में आ रहा है? सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इज दैट प्रीपेमेंट रिस्क इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स और इट हैज टू टाइप्स, एक एक्सटेंशन रिस्क और एक कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। अगर हमने माना था उसे जल्दी पैसा आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन, उसे लेट पैसा आ रहा है तो एक्सटेंशन। तो जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है उसके जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे उनको ये दो टाइप का रिस्क लगेगा, और अगर एजेंसी है तो मेनली यही दो रिस्क लगेंगे क्योंकि क्रेडिट रिस्क तो है ही नहीं, ठीक है? सो नाउ यू कैन गो थ्रू, वो तो दो बुलेट से वहां तक पढ़ लो।
आराम से पढ़ो, कुछ भी नहीं समझ में आता है मुझसे पूछो। लोअर इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं मार्केट फॉर स्टॉक मार्केट से भी जाते हैं स्टॉक पर हमारा तो पैसा फिक्स इनकम आ रहा है अब तो इसलिए ऑब्वियसली कनेक्टेड नहीं है आते ही नीचे आ रहा है और वो तो कुछ बोल नहीं सकते ना सपोज 2007-2009 का क्राइसिस हुआ तो गंदे क्राइसिस के कारण रेट कई बार कम कर देते हैं ऐसे टाइम में पैसा वापस आ जाए तो उस टाइम तो स्टॉक मार्केट पिटा होगा मतलब 20-30 टका गिरा होगा लेकिन बहुत कमा गया हूं मैं जैसे बेटी कर रहा था 25 का मैं ऐसे ही बता समझ में आया तो बेसिकली इतना याद रखना कि जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी होता है ना इट हैज गॉट फीचर्स सिमिलर टू अ कॉलेबल बॉन्ड ओके एक्सपेक्टेड से जल्दी पैसा वापस आ सकता उसके बाद में पढ़ रहा हूं व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बोरोस प्रीपेमेंट स्पीड विल बी लोअर देन एक्सपेक्टेड बिकॉज रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी विल स्लो लीडिंग टू एक्सटेंशन इन द एवरेज लाइफ ऑफ एनपीएस तो ऐसा भी हो सकता है मैंने बताया धीरे धीरे पैसा आ रहा है तो एक्सटेंशन दिस इज ऑल्सो बैड फॉर इन्वेस्टर्स बिकॉज कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड बाय मोर पीरियड्स एंड हायर डिस्काउंट रेट सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कि जब क्रेडिट रिस्क था तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ट्रांच बनाते हैं सीनियर और जूनियर और मेजेनाइन और ऐसा सब कि सबसे पहले अगर लॉस होता है तो सबसे जूनियर या इक्विटी ट्रांच को लगेगा फिर मेजेनाइन और बहुत रेयर केसेस में सीनियर को लॉस आएगा तो वो क्रेडिट रिस्क का ट्रांचिंग था सिमिलरली आप टाइम ट्रांचिंग भी कर सकते हो कि अगर जल्दी जल्दी पैसा आ गया सपोज कॉन्ट्रैक्शन रिस्क है तो इसमें भी आप ट्रांच बना दो एबीसी और हम अभी देखेंगे कि अगर जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है तो सी वाली ट्रांच को जल्दी दे दो लेकिन ए और बी को कुछ नहीं होगा या अगर लेट आ रहा है पैसा तो मान लो सी वाले का पेमेंट डिले कर दो बट ए और बी को कुछ नहीं होगा सो जस्ट लाइक क्रेडिट रिस्क वी कैन ऑल्सो डू ट्रांचिंग टू रिडिस्ट्रीब्यूट प्री पेमेंट रिस्क और वो होता ही है फिर उस हिसाब से रेटिंग और सब नक्की होगा तो पढ़ लो लास्ट पैरा पढ़ लो फिर आगे जाते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी होता है लेकिन ट्रांजिट और वो सब उतना नहीं होता होगा और सेकेंडरी मार्केट नहीं है देखो लिखा ट्रांजिट दैट मैच्योर फर्स्ट मतलब जिसको जल्दी पैसा मिल जाएगा दे ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटेंशन रिस्क और जो लंबी मैच्योरिटी वाला है उसको कॉन्ट्रैक्शन रिस्क नहीं लगेगा तो नाउ लेट अस गो टू सीएमओस
ऑफलाइन समझ में आ रहा है ना? फाइन, सो एज आई सेड, हमने लास्ट टाइम सीडीओ देखा था. सीडीओ क्या था? कि लोन्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा कुछ पूरा पूल होगा, फिर उसके कैश फ्लो का ट्रांजिशन किया होगा, और जो वो पूल होता है उसका एक्टिव मैनेजमेंट करते रहते हैं. मतलब पूल में भी कोई मैनेजर खरीद बेच करता रहेगा, सो दैट रिटर्न्स आर मैक्सिमम. दिस वाज बेसिकली योर सीडीओ. अगर अंडरलाइन जो लोन्स है वो मॉर्गेज वाली है तो CMO, वो क्या होगा? CMO, तो CMO में ट्रांजिशन होंगी बराबर, और मेनली प्रीपेमेंट रिस्क जो है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? और सेकंड पैरा जो लिखा है वही है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है, तो हर एक के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से दे कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट ट्रांचेस. तो इसमें कॉमन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? तो सीक्वेंशियल पे सीएमओ लिखा है. तो सीक्वेंशियल पे सीएमओ मतलब क्या? कि वो लोग दो ट्रांचेस बना देंगे, ये जितना भी पैसा आ रहा है वो दो में जाएगा, ए और बी में. और ऐसे रूल्स बना देंगे कि हर एक जो ईएमआई आता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल. तो इंटरेस्ट तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा राइट फ्रॉम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो पहले सबका सब इसको मिलेगा, वो पहले सबका सब इसको मिलेगा. जो भी प्रिंसिपल का पार्ट आता है वो इनको नहीं मिलेगा. तो इवन अगर प्री पेमेंट्स होते हैं तो वो सब किस में जाएंगे? बी में. तो अगर जल्दी जल्दी पैसा आया तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? सो ये जो ट्रांच है दिस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन. कि जल्दी जल्दी पैसा आया तो इसको कॉन्ट्रैक्शन का रिस्क नहीं लगेगा, हाँ एक्सटेंशन का रिस्क लगेगा, राइट? तो इस तरह से ये लोग ट्रांच बना देते हैं कि इसको प्रोटेक्शन है कॉन्ट्रैक्शन के सामने, और ऐसा बोल सकते हैं कि इसको प्रोटेक्शन है एक्सटेंशन के सामने, राइट? तो जो आपका प्रेफरेंस हो उस हिसाब से आप ए या बी ट्रांच में पैसा डालो. सॉरी थोड़ा पैसा आया, आने रिस्क नहीं लगेगा, जो भी पैसा आपसे पहला आने कौन से ले लो मोड़ा. तो जो मोड़ा भी आया तो आने बदा तकलीफ थे, आने की भी तकलीफ नहीं था, कारण के बदा पैसा पहला आपने बी ना आपी दिए थे, ठीक है? और जिसको पहले पैसा मिलता है वो ट्रांच को शॉर्ट ट्रांच बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रांच, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रांच, ठीक है? तो वो जो अदर सीएमओ लिखा है ना जेड ट्रांच, बाद आप पढ़ लो.
यस बोलो। ના ઉંધુ શોર્ટ ટ્રાન્સ જે છે ને એને કોન્ટ્રેક્શન રિસ્ક લાગશે કારણ કે એને પૈસા જલ્દી જલ્દી મળી જશે અને લોંગ ટ્રાન્સ વાળાને એક્સટેન્શન રિસ્ક લાગશે કારણ કે એને પૈસા મોડા મળશે। હા બોલો જાય આગળ। અચ્છા અબ મેરી વાત સુનો, જો સબસે દો પોપ્યુલર સ્ટ્રક્ચર્સ હે ના વો એક તો યે હે સિક્વેન્શિયલ के पहले पैसा बी को गया शॉर्ट ट्रांस फिर ए को जाएगा बराबर। लेकिन इसमें क्या हुआ के इसको प्रोटेक्शन मिल गया कॉन्ट्रैक्शन के सामने, लेकिन एक्सटेंशन के सामने तो इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब दोनों को कुछ ना कुछ रिस्क तो लग ही रहा है। एक जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो नेक्स्ट पेज पे लास्ट में लिया है, पैक प्लान एमोडेशन क्लास। तो पैक में क्या होगा के सपोज जो आपके पैसे आ रहे हैं उसमें रूल्स ऐसे बनाएंगे जो आपके पैसे आ रहे हैं उसमें दो ट्रांच बनाएंगे, एक पैक और एक सपोर्ट बराबर। और रूल्स कैसे बनाए होंगे कि इफ देयर इज मोर प्रीपेमेंट, अगर प्रीपेमेंट ज्यादा है राइट तो गिव मोर मनी टू पैक, कि अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो सारा पैसा जाने दो पैक के तरफ, सॉरी सारा पैसा जाने दो सपोर्ट के तरफ। मतलब सपोर्ट ट्रांच को कौन सा रिस्क लगा, कॉन्ट्रैक्शन रिस्क लगा इसंट इट। अगर बहुत जल्दी जल्दी पैसा आया है तो इसको तो शेड्यूल के हिसाब से ही पैसा दो, जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो सब इसको दे दो, इसको कॉन्ट्रैक्शन रिस्क लगा। और अगर लेस प्रीपेमेंट आ रहा है, हमने सोचा उससे कम हो रहा है प्रीपेमेंट तो इसको कम पैसा दो, सपोर्ट वाले को कम पैसा दो, मतलब इसको वेट कराओ तो फिर इसको ही एक्सटेंशन रिस्क लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली ये जो है वो बकरा ट्रांच है, मरेगा सिर्फ ये। जल्दी पैसा आया तो इसको दे, लेट आया तो इसको वेट करवाओ। मतलब दिस विल ऑलवेज बी द फॉल गाय राइट, दिस विल बी सुपर प्रोटेक्टेड, इसको पैक ट्रांस बोलते हैं। और इसीलिए इसका रेटिंग भी बहुत ज्यादा हाई होगा, दिस विल बी वेरी वेरी हाईली रेटेड। समझ में आ रहा है? ये रिस्की होगा, इसके इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और पहले से ही लिखा होगा डॉक्यूमेंटेशन में कि प्रीपेमेंट की कौन सी स्पीड्स, पता नहीं अभी नए सिलेबस में निकाल दिया है, बट जो स्पीड था ना उसको पीएसए बोलते थे पहले, जो प्री पेमेंट का स्पीड होता है ना उसको पीएसए बोलते थे। तो पहले से डॉक्यूमेंट में सपोज लिखा होगा कि 50 पीएसए से लेके 350 पीएसए, इसके बीच अगर प्री पेमेंट की स्पीड रही तो इसको पैक को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हाँ अगर 50 से कम हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 350 से ज्यादा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज हाउ पैक एंड सपोर्ट वर्क। प्लान एमोडेशन क्लास पीएसए का तो वो तो वहां का एसोसिएशन है, पब्लिक सिक्योरिटी एसोसिएशन, मतलब उन लोगों ने एक ऐसा चार्ट बनाया था, बट नाउ दैट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। बट ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पहले से डिफाइंड स्पीड होगा। इट्स लाइक आप गाड़ी चला रहे हो तो बोले 60 to 130 किलोमीटर पर आवर में प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा। अगर स्पीड 60 से कम हो गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 130 से ज्यादा हो गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट बिटवीन 60 एंड 130 यू विल बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। तो दिस इज योर पैक स्ट्रक्चर, अभी एक बार पढ़ लो।
अच्छी पार्टनरशिप है यार, नॉट आउट ऑफ द वुड्स चल रही है पार्टनरशिप 125 फॉर बोलो ठीक है। तो अदर स्ट्रक्चर्स में Z ट्रांस लिखा है, फिर आई एम जस्ट रीडिंग आउट, और Z ट्रांस इज अ CMO ट्रांस दैट रिसीव्स नो इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड एक्रुअल पीरियड। इंस्टेड ड्यूरिंग द एक्रुअल पीरियड द ट्रांस अक्रूज इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा प्रिंसिपल, मतलब कुछ टाइम उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जितना इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सेट ट्रांस विद अ कूपन रेट ऑफ 5% हैज $100 ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ एक्रुअल पीरियड, और एक पीरियड के बाद 100 पे 5 रुपए आने चाहिए, वो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल 105 हो जाएगा, फिर कूपन 5% 105 पे लगेगा, कैश नहीं मिलेगा। वन द एक्रुअल पेमेंट है has ended, interest and principal payments on Z tranche begin. मतलब basically ऐसा बोल सकते हैं कि उसका पैसा late शुरू होगा और ब्याज उसको मिलता, मतलब accrue होता रहेगा, cash में नहीं मिलेगा। Z tranche is typically the lowest ranking tranche in a CMO structure. फिर ये लोग ऐसा भी करते हैं कि कभी-कभी जो installment का पैसा आता है ना, उसमें एक part interest है और एक पार्ट प्रिंसिपल है, तो उसके दो ट्रांच बना देंगे कि एक इंटरेस्ट ओनली और एक प्रिंसिपल ओनली। एक ट्रांच जो होगा उसमें सिर्फ इंटरेस्ट वाले पेमेंट्स मिलते रहेंगे और दूसरे को सिर्फ प्रिंसिपल वाले, तो वो आईओ और पीओ होता है। पढ़ लो एक बार आईओ और पीओ पढ़ लो। वो प्रॉपर्टी याद रखना, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इंक्रीजिंग प्रीपेमेंट स्पीड प्रिंसिपल के लिए अच्छा है, इंटरेस्ट के लिए बुरा है। और इंटरेस्ट के लिए तो बुरा होगा ही,
इंटरेस्ट ओनली है तो रेट घट रहे हैं तो कैश फ्लो कम हो जाएंगे। फिर फ्लोटिंग रेट मतलब फिक्स कूपन नहीं मिलेगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट है कूपन वो किसी रेफरेंस से लिंक होगा, लाइबोर या कुछ भी प्लस 2% या व्हाटएवर, ऐसा फ्लोटिंग रहेगा। और इनवर्स फ्लोटर भी हो सकता है, ओके सपोज लाइबोर माइनस 2% तो लाइबोर बढ़ेगा, नहीं लाइबोर माइनस 2 नहीं, इट्स लाइक 10 माइनस लाइबोर, उस 10% माइनस लाइबोर, ये लाइबोर बढ़ेगा तो आपका कूपन घटेगा और लाइबोर घटेगा तो आपका कूपन बढ़ेगा, दैट इज इनवर्स फ्लोटर। और रेसिडुअल मतलब जो बचा कुचा होगा वो रेसिडुअल, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे कम रेटिंग होगा। बोलो ठीक, ऑनलाइन फाइन, समझ में आ रहा है? फ्लोटिंग रेट ट्रांच એટલે નોર્મલી આવા જે ટ્રાન્ચ હોય ને એમાં ફિક્સ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, મતલબ પહેલે સે નક્કી હોગા કે સપોઝ ધીસ વિલ ગિવ 6%, ધીસ વિલ ગિવ 2%, જબકે ફ્લોટિંગ મે કેસા લિખા હોગા લાઇબોર પ્લસ 3%, મતલબ યે લાઇબોર જબ અપ ડાઉન કરેગા तो हमारा कूपन भी अप डाउन करेगा, दैट इज फ्लोटिंग, समझे? लाइबोर तो अभी कम हो गया है, उसके बदले हर एक कंट्री में अलग अलग रेट्स हैं। तो अभी इंडिया कौन सा फॉलो कर रहा है? इंडिया में है ना, जैसे आरबीआई की पॉलिसी भी है कि या तो रेपो या फिर जो माइबोर करे, हाँ माइबोर करके मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, तो ऐसे अलग अलग बेंचमार्क्स यूज करते हैं। ऑनलाइन ओके सर, मसाला बॉन्ड है बीच में, हाँ मसाला बॉन्ड कुछ होता है, हाँ तो अभी स्कैम चालू ही था, लाइबोर उस टाइम होगा, हाँ तो वी डोंट नो, कैसा रहेगा क्योंकि वो जो डॉलर डी और डी डिनोटेड बॉन्ड है वो तो, हाँ तो पर लाइबर अभी भी यूज कर सकते हैं, जो इश्यू हो गया ना, जो बॉन्ड इश्यू हो गए उसमें तो रहेगा ना, सब ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ है, इट इज जस्ट दैट पीपल आर आल्सो डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, ये सिर्फ लाइबर पे डिपेंडेंट मत रखो ऐसा। ऑनलाइन ठीक है, ओके नाउ सी, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया वो रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी मतलब होम लोन, लेकिन कमर्शियल लोन भी होती है, मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट की लोन्स, और इन्वेस्टमेंट पर्पस में कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है, मॉल है, हॉस्पिटल है, या इवन घर है लेकिन आपने खरीदा है रेंट आउट करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट में वो कमर्शियल रियल एस्टेट गिना जाता है, तो उसके लिए जो लोन्स होती है दोज आर कमर्शियल मॉर्गेजेस, और उसका भी फिर सिक्योरिटाइजेशन हो सकता है। तो लास्ट के जो एक दो पार्ट्स हैं वो उसके बारे में है, कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। तो उसमें पहले तीन पैराग्राफ पढ़ लो, कमर्शियल मॉर्गेज टिकट साइज भी जनरली बड़ी होगी, टिकट साइज विल बी लार्जर, राइट, तो उसमें मतलब पूल में उतने सारे लोन्स नहीं होंगे,
फोर्थ पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एमबीएस इज ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोअर्स। मतलब अभी हमने देखा रिकोर्स नॉन रिकोर्स, तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लोन्स होते हैं ना वो मोस्टली रिकोर्स लोन सॉरी नॉन रिकोर्स लोन्स होते हैं। मतलब जो लेंडर है वो सिर्फ प्रॉपर्टी ले पाएगा, बोरोअर की दूसरी एसेट्स को टच नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब ये लोन्स का एनालिसिस होता है ना, अगर कोई रेसिडेंशियल होम लोन है बोरोअर तो मैं प्रॉपर्टी तो देखूंगा लेकिन जो बोरोअर है ना उसके कैश फ्लो कितने हैं, उसका आईटी रिटर्न और ये सब देखूंगा। लेकिन जब मैं कमर्शियल लोन का एनालिसिस कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या देखूंगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी कैसी है, क्योंकि बोरोअर के कुछ भी कैश फ्लोज है वो मेरे को नहीं मिलने वाले। आई विल ओनली लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई मॉल है तो कौन से एरिया में है, कितना स्क्वायर फुट है, क्या फुटबॉल होगा, क्या रेंट होगा, कितने साल चलेगा, क्योंकि मेरा पूरा लोन प्रॉपर्टी के कैश फ्लो में से ही अगर आएगा तो वापस आएगा। आई गॉट नथिंग टू डू विद द बोरोअर। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। और इसीलिए उसमें जो रिस्क देखते हैं उसमें दो की रेशियोज लिखे हैं, एक तो डेट सर्विस कवरेज, मतलब जो प्रॉपर्टी का नेट ऑपरेटिंग इनकम है जितना रेंट वगैरह आएगा माइनस टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह डिवाइडेड बाय कितना डेट सर्विस आएगा, मतलब एनुअल कितना पैसा देना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली हायर इज बेटर, और एलटीवी तो हमने देखा वो 1-2 तक पढ़ लो, 1-2 तक पढ़ लो। सर हमें एक लाइन से द रेगुलर इनकम फ्रॉम कोलैटरल ऑफ सीएमबीएस इज रेफर्ड टू अ वेटेड एवरेज प्रोसेस फ्रॉम द मॉर्गेज प्रोसीड्स, हां प्रोसीड्स फ्रॉम द मॉर्गेज डब्ल्यूएनपी व्हिच प्लेस द सेम फॉर लेस बैक। हां मतलब जो कूपन है उसको यहां पे वैम बुलाते हैं कि जो मतलब इन्वेस्टर्स है उनको कितना मिलेगा। आराम से 1 और 2 तक पढ़ लो। सर आप करेंट मॉर्गेज अमाउंट है तो देखो कि नहीं है कि डेडलाइन ही कोई
અને અત્યારની પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ BSCR जितना ज्यादा होता अच्छा, LTV जितना कम होता अच्छा। बोलो पढ़ लिया जाए आगे। हाँ depreciation reserve भी हमारे include करें। हाँ net operating income मतलब जो रेट वगैरह आ रहा है उसमें से टैक्सेस माइनस करो डेप्रिसिएशन माइनस करो। આપણે જે ઇન્ટરેસ્ટ કવરેજ રેશિયો કરીએ છે એમાં શું કરતા આમાં તો પ્રોપર્ટી સ્પેસિફિક એટલે પ્રોપર્ટી ડેપ્રિસિએશન હા કારણ કે અમુક તો તમને ખર્ચો થવાનો જ છે બરાબર ઓકે નાઉ ધેર આર સીઇંગ ટુ ડિફરન્સીસ બીટવીન CNBS એન્ડ IMBS વી ડિસ્કસ અર્લિયર આર कॉल प्रोटेक्शन एंड बलून मैच्योरिटी प्रोविजन। कॉल प्रोटेक्शन मतलब इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन के जल्दी पैसा वापस ना आ जाए तो क्या कर सकते हो उसके लिए। कॉल प्रोटेक्शन इज इक्वल टू प्री पेमेंट प्रोटेक्शन। CNBS इज प्रोवाइड कॉल प्रोटेक्शन इन टू वेज, या तो लोन लेवल पे टर्म्स एंड कंडीशन डाल दो या फिर जो स्ट्रक्चर बनाओगे ट्रांचिंग वगैरह उसमें ऐसा कुछ कर दो। तो लोन लेवल में क्या कर सकते हो, तो प्री पेमेंट पे लॉकआउट डाल दो कि भाई 20 साल का लोन है लेकिन पहले 5 साल प्री पे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ डाल दो। फिर करना है तो पेनल्टी लगेगी। देन डिफिशंस, द बोरोर यूजेस पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ शेड्यूल्ड लोन पेमेंट्स टू परचेस अ पोर्टफोलियो। ये कौन कर रहा है? बोरोर purchase a portfolio of government securities that is sufficient to make remaining scheduled principal and interest payments on the loan. This protects the lender from prepayments and it allows the borrower to remove the lender's lien on the property should they wish to sell the property before the end of the mortgage term. मतलब ये बीच का रास्ता है कि suppose मैंने 100 करोड़ का लोन लिया है बराबर और 10 साल का लोन है। Now after 3 years, I want to prepay. Okay, suppose मुझे वो बिल्डिंग के लिए कोई बहुत अच्छा बायर मिल गया है, वो 150 करोड़ में लेना चाहता है, तो पहले मेरे को लोन हटानी पड़ेगी, right? लेकिन लोन में 10 वर्ष से 3 साल ही हुए हैं, तो अब मैं जो लेंडर है उसको बोलूंगा तो उसका तो नुकसान होगा। तो वो लोग ऐसा कुछ करेंगे कि जो भी पैसा देना मैं चाहता हूँ ना, वो सीधा ऐसा नहीं कि कैश दे दिया, उससे गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेंगे। ये 7 साल बाकी है तो 7 इयर्स वाले गवर्नमेंट बॉन्ड ले लो और फिर वो आप लेंडर को दे दो, सो दैट गवर्नमेंट बॉन्ड लिए हैं तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी आता रहेगा। उस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर करेंगे, मतलब जो लेंडर है उसका इंटरेस्ट लॉस भी ना हो और एक तरह से लोन भी खत्म हो गए, तो दिस इज कॉल्ड डिफिशंस। अब हर एक बार वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हो सकता डिटेल्स की बात है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे क्या रेट चल रहा है वगैरह वगैरह देखना पड़ेगा। तो ये सब लोन लेवल का हुआ। फिर आप CNBS स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हो ना, ट्रांचिंग कर सकते हो, राइट? सो लोन पूल्स कैन बी सब्जेक्ट टू सीक्वेंशियल पे ट्रांचिंग इन अ सिमिलर फैशन टू दोज यूज फॉर CMOs, जो सिंपल मॉर्गेज में करते थे वो कर सकते। और उसमें लिखा है बलून पेमेंट, तो दिस इज अनदर इक्विलैरिटी ऑफ अ कमर्शियल रियल एस्टेट लोन। ये लोग क्या करते हैं, देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि सपोज 1 करोड़ का लोन है, अगर 1 करोड़ का लोन है और मान लो 20 इयर्स का टेन्योर है, राइट?
See, it will be like this. Suppose नॉर्मली क्या होता है, 1 crore लोन है बराबर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 8% है, और टाइम सपोज 20 years है। तो हम जब ईएमआई गिनते हैं ना, हम जब ईएमआई गिनते हैं ना, तो कैलकुलेटर में 20 साल का लोन है ना, तो इनपुट 20 साल ही डालेंगे, और सपोज ईएमआई आया 60,000 rupees पर मंथ, सपोज ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। कमर्शियल में लोग क्या करेंगे, कमर्शियल में लोग क्या करेंगे कि आर 8%, लेकिन एन 20 years है ना, उसके बदले 25 years डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये भले ही लोन 20 साल की है, कैलकुलेट करो 25 साल के हिसाब से, उससे क्या होगा कि दिस ईएमआई माइट कम आउट टू बी से 48,000 rupees। ईएमआई कम हो गया, ईएमआई आपका कम हो गया, तो जो बोरोवर है वो हर महीने 60,000 नहीं भरेगा, वो 48,000 भरेगा। उससे क्या होगा कि जब 20 साल खत्म होंगे, लोन तो 20 साल की है, कैलकुलेशन 25 के तरफ किया है, लोन तो 20 साल की है, तो जब 20 साल खत्म हो जाएंगे तो आपका लोन बैलेंस जीरो नहीं हुआ होगा, आपका लोन बैलेंस जीरो नहीं हुआ होगा। इट वुड बी लाइक कि 1 crore का लोन था ना, तो अभी भी सपोज 26 lakh बाकी है, मतलब जो लास्ट पेमेंट होगा 20वें साल का लास्ट पेमेंट होगा, उसमें जो बोरोवर है उसको एक बड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बलून पेमेंट। और नॉर्मली ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होता है कि प्रॉपर्टी बिकने वाली है, कि जब लोन खत्म होगी 20 साल की तो प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो उसमें से ये बलून पेमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो दिस इज वन अनदर डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल मॉर्गेज। ठीक है, पढ़ लो। Because balloon risk entails extending the term of loan, मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास तो नहीं है अभी पैसा और बढ़ा दो 4-5 साल, तो it's a form of extension risk for CMBS investors। ठीक है, करो quiz। हाँ, मतलब मनन सर अभी जनरल थियरी करवा रहे हैं, जिस
इसमें पूरे फिक्स इनकम का टर्म्स कंडीशंस और वो सब है, जबकि आई स्टार्टेड विद सिक्योरिटाइजेशन लास्ट संडे एंड दिस संडे वी हैव कंप्लीटेड सिक्योरिटाइजेशन मतलब फिर क्रेडिट का पार्ट है, क्रेडिट रिस्क का वो मैं करवाऊंगा, और फिर लास्ट में प्रैक्टिकल पार्ट वैल्यूएशन एंड रिस्क रिटर्न। तो सीए तो ग्रुप इज अ सॉरी सीए सीए आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, इस वीक में हो जाएगा। ओके होगा क्या दिवाली तो सॉरी नेक्स्ट सैटरडे संडे तो मिलेंगे आप, हां उसके बाद नहीं मिलेंगे ना, आई थिंक ऐसा कुछ है, ऐसा ही होगा ना। हां लेट अस डिस्कस मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम नहीं। रिस्क दैट मॉर्गेज प्रीपेमेंट विल अकर मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड मतलब एक्सटेंशन सीक्वेंशियल पे सिक्योरिटी इज स्ट्रक्चर्ड विद थ्री ट्रांचेस एबीसी। ट्रांच ए रिसीव्स प्रिंसिपल फर्स्ट फॉलोड बाय बी देन सी। एन इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट एक्सटेंशन रिस्क, अपने को एक्सटेंशन रिस्क नहीं चाहिए तो ए खरीद लेगा वो, राइट। ऑनलाइन हो रहा है ना फॉलो, और लास्ट फॉर इन्वेस्टर्स इन सीएमबीएस बलून रिस्क रिजल्ट्स इन एक्सटेंशन रिस्क। ठीक है ओके बोलो कितने पक्के हो? हाँ ओके तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट के दो तीन चैप्टर्स हैं, उसमें पहले वाला अच्छा है, पहले वाला मतलब थोड़ा बड़ा है, सेकंड गवर्नमेंट इश्यूअर्स का बहुत छोटा है, और क्रेडिट इश्यूअर्स का भी ठीक ठाक है। टोटल तीन चैप्टर्स हैं, दो तो नेक्स्ट टाइम खत्म कर लेंगे, ठीक है। सीआई के भी तो तीन बातें हैं। देख सीआई में तो मैंने जो करवाया था ना,